हेलो गाइस, कृष्णा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं व्रत की थाली। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आलू बॉईल कर लेने हैं और फिर उसके बाद अब इसे कद्दूकस से कस लेना है। इस तरह सारे आलू को कस लेंगे और दूसरी तरफ घुया भी ऐसे उबाल के रख लेंगे। अब वो पीछे हमने दही मैश करके उसमें आलू डाल के रखे हैं, उसका हम रायता बनाएंगे, वो भी अभी दिखाते हैं। तो अब इसमें पुदीना पत्ती डाल देंगे। अब दूसरी तरफ मिर्चों को मिक्सचर जार में डालेंगे धोकर, और इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। और ये पेस्ट रेडी है, अब इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में घी डालेंगे और उसमें थोड़े से मखाने डालेंगे। इस मखाने की हम खीर बनाएंगे। और अब इन मखानों को भून लेंगे अच्छे से। और जब मखाने कुछ ऐसे भून जाएं तो उसको मिक्सचर जार में डाल लेंगे और इसको दरदरा करके पीस लेंगे। अब इसका कुछ ऐसा लगेगा पीस के। अब दूसरी तरफ इस पे पैन रखेंगे और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। और अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब उस दूध में वो मखानों का पेस्ट डालेंगे। और अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। और इसे थोड़ी देर के लिए चलाते रहेंगे। लीजिए, आपकी मखाने वाली खीर रेडी है। अब आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ कढ़ाई में घी डालेंगे, उसमें थोड़ा सा अजवाइन, और अब उसमें सूखी हुई ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। इसको कुछ ऐसा भून लेंगे कि इसका कलर पिंक हो जाए, मतलब कुछ ऐसा दिखने में। और अब इसमें वो मिर्च वाला पेस्ट ऐड करेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको अच्छे से चला लेंगे। और लीजिए, आपकी गुड़िया रेडी है। और इसमें अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। अब हमने सिंगाड़े के आटे की पूड़ियाँ बना ली हैं। वो सबको आती हैं तो हमने दिखाई नहीं, पर हमारी पूड़ी कुछ ऐसी बनी थी। मैं और सादा पूड़ी में बस इतना ही फ़र्क है, इसमें से कसे हुए आलू में मैश करके बनाते हैं, वो आप बना ही लेंगे बस।
और लीजिए आपकी व्रत की थाली रेडी है।